एक वादा करोगे मुझसे कि तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे? अगर ये हाथ छूट गया ना तो ये साथ छूट जाए, मेरे कदम रुक जाएंगे, बल्कि यूं समझो चल रहे भूल जाएंगे। क्या घूम कहा है? यहां से पता चलता है कि तुम किसी शायर के घर में बड़े हुए हो। फिर अफसोस की बात हुई है कि तुम्हें ये इतने सालों में समझ आया। इट्स लाइक टू रिमाइंड यू, मेरे अंकल सिर्फ शायर नहीं है, वो पाइन वुड केमिकल्स में मार्केटिंग मैनेजर है, राइट? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन देखो ना कितना अजीब है कि लोग दिल टूटने के बाद ये जॉब वॉब छोड़ के शेर शायरी करना शुरू कर देते हैं, और अंकल अंकल ने दिल टूटने के बाद अपनी शायरी पब्लिश करना छोड़ दी, क्यों? मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने अंकल के बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया। अच्छा, मुझे नहीं बताओगे तो आई किसको बताओगे? What? वो थी ना चेरे को, माइन चेनी। My God, Jennifer Bottoms, उन्हें अभी तक याद है? अरे उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? I mean for obvious reasons कैसे भूल सकता हूँ? अगर वो नहीं होती तो मेरी नजर तुम पे कैसे पड़ती? और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में she was my first friend, best friend. मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया रही हूँ, लेकिन तुम वहाँ पे 4 साल पहले ही आके एक गोरी लड़की पे फिदा हो गए। Listen, you sound like कि जैसे मुझे बड़ा कोई गोरा कॉम्प्लेक्स है। होगा। अगर होता तो मेरी नजर तुम पे कैसे पड़ती? क्या शाही? बस, और अब ये हाथ तुम तभी थाम सकते हो जब तुम अंकल से हमारे एंगेजमेंट की बात करोगे। अरे यार अभी तुम लोगों को कुछ ही वक्त हुआ है ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, थोड़ा सेटल कर लो फिर अंकल से बात कर लेंगे। हम प्लीज, माँ को हमारे बारे में तब से पता है जब हम एक दूसरे को एक हफ्ते से जानते थे, और एडजस्टमेंट होती रहेगी, लेकिन अब तुम मेरा हाथ तभी थाम सकते हो जब तुम ऑफिशियली एंगेजमेंट की बात अंकल से करोगे। अंटिल देन जी टाटा बाय बाय। अरे सुनो तो। नहीं यार, नहीं सुनेगी वो। क्यों सुनेगी, पाकिस्तानी लड़की है ना, और तुझे भी बहुत शौक था ना अच्छी खासी लाइफ में जेनी थी। ओ जेनी। यार वैसे मुझसे ज्यादा इस लड़की को जरूरत है एनक की। क्या मतलब? मतलब ये कि एनक लगाएगी तो उसे दिखेगा ना क्या रखा है इस निकम्मे में। तो आप मुझे निकम्मा कह रहे हैं? मजाक कर दो, इधर बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। तो वो मिलते हैं अलीना से, उन्हें कल बुला लो घर पर। कौन अलीना? अरे अलीना नहीं, अलाया, अलाया नाम है उसका। यार आजकल के नाम अपने पल्ले नहीं पड़ते। खैर अब याद कर लीजिए अलाया, और उन दोनों से मिलने फिर हम यूनिवर्सिटी चले। यूनिवर्सिटी? ऐसी बातें यूनिवर्सिटी में थोड़ी होती हैं। वो दोनों यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं। ओ अच्छा, क्या? और ये अलीमा के वालिद क्या करते? अलाया, अलाया नाम है उसका, और अब उसके उसके पैदा होने से चंद माह पहले हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। जो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्चुअली अलाया ना पाकिस्तान में परवीन चाकर, जॉन एलिया, इन सब की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है। एंड दैट्स व्हाई उसने सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में। सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी? या सेंट जॉन्स। हाँ क्या हुआ अंकल? बहुत बुरी यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी है। ओके, मेरी तो जवानी की बहुत सारी यादें वाबस्ता है वहां से। That's wonderful then. हम उनसे मिल भी लेंगे, तो आप अपनी जवानी की यादें ताजा कर लीजिए। नहीं यार, वो यादें
फूलों की वो कलियां हैं जो कब की मुरझा चुकी हैं और जमीन में दफन हो गई। ये भी क्या बेबसी है, इन हवाओं में अब भी उसकी महक बसी। इसी गुलिस्तान में तो हम मिलकर रोए थे, यहीं गूंजती उसकी वो हंसी है। यूं ना था कि वो हमें चाहता ना था, अफवाह थी वो बेवफा है, दिल हमारा ये मानता ना था। मजबूरी उसकी कोई रही होगी कि अफवाह को यकीन कर गया। झूठे वादे से सजा कर एक घर, मुझे उसका मकीन कर गया। माँ, what happened? नहीं कुछ नहीं, चलो हम किसी और दिन मिलेंगे। चलो सिंस करो माँ। आपको पता है मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तराक था। क्या था इश्तराक? क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी? अब वो गलती नहीं, पहले इस पर बात कर लेते हैं बेटा। गलती होता है। हाँ। गलती उर्दू में कुछ भी नहीं है। ओके। और वो जो किसी से मिलने का होता है ना, उसे कहते हैं इश्तियाक। इश्तियाक। क्या कहते हैं? इश्तियाक। इश्तियाक। इश्तराक कहते हैं पार्टनरशिप को, जैसे आप मिस्टर रूहान को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हैं। और उसमें रुकावट है, एक तो हम हैं और दूसरी वालदा जी। वालदा? या वालदा जी। वालदा नहीं, वालिदा। वालिदा क्या? वालिदा। हाँ, वालिदा। या वालिदा। हाँ, चलें मिलवाएं हमें उनसे। हाँ, चलो। और नहीं अंकल, वो I'm really sorry, मामा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। वो कह रही थी कि फिर किसे और दिन जिसिंग। इट्स ओके, वो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो कभी कभी कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे। क्यों अंकल? आपको बुरा तो नहीं लगा, आप लोग इतने दूर से आए हैं और इस जगह से? तो कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।